हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11 से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। आज आपको डेरिवेटिव करके दिखाएंगे log sin x का, ठीक है? तो फर्स्ट प्रिंसिपल से रिक्वायरमेंट किस किस चीज की होती है? f x दिया है, log f sin x, और हमें चाहिए होता है f x plus h का वैल्यू। तो क्या लिख दूं मैं? log of sin x plus h, मतलब क्वेश्चन में जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां एक h इंट्रोड्यूस कर दीजिए। x जब x लिखा है तो x plus h को यहां फिर x plus h हो जाएगा। अब जो एक सिंगल फॉर्मूला है यूज होता है जो फर्स्ट प्रिंसिपल में, वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x plus h माइनस का f x होल अपॉन h। तो चलिए वैल्यू डालते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f x plus h, मतलब log sin x plus h माइनस का f x, जो कि क्वेश्चन ही है, log sin x होल अपॉन h। अब एक प्रॉपर्टी है, देखो, log m माइनस log n। तो व्हाट इज log m माइनस का log n? तो प्रॉपर्टी होती है log m अपॉन n, ठीक है? तो चलिए लगाते हैं। ये हो गया लिमिट s टेंड टू 0, उस हिसाब से देखो log m, मतलब ये पूरा m है, तो sin x plus h अपॉन n sin x और होल अपॉन h। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लॉग की एक प्रॉपर्टी और है, क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 log, एंगल में चेक करना, 1 plus x और होल अपॉन x, डायरेक्टली 1 होता है। कहने का मतलब log के एंगल में 1 plus के साथ जितना लिखा हो एग्जैक्टली अगर नीचे आ जाए तो 1 लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर log के एंगल में तो 1 है ही नहीं कहीं पर। तो देखो 1 नहीं है तो हम बना लेते हैं। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 log, एंगल पर ध्यान रखना अंदर, sin x plus h अपॉन sin x, ऐसा ही है ना? तो देखो मैंने क्या किया, 1 प्लस किया और 1 माइनस किया, होल अपॉन h को कोई चेंज नहीं। तो 1 प्लस के साथ चाहिए ना, तो 1 प्लस तो ये रहा। अब देखो जरा 1 प्लस के साथ लिखा क्या क्या है, ध्यान से चेक करना। 1 प्लस के साथ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लिमिट s टेंड टू 0 log 1 प्लस के साथ देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ध्यान से चेक करिएगा, sin x plus h अपॉन sin x माइनस 1, जरा चेक करना, प्लस 1। तो देखो प्लस 1 तो यहां पर भी है, इस प्लस 1 के साथ लिखा हुआ है sin x plus h अपॉन sin x माइनस 1, sin x plus h अपॉन sin x माइनस 1, नीचे एज इट इज। तो देखो नियम क्या कहता है, log के साथ एंगल में 1 प्लस के साथ जो लिखा हो डायरेक्टली नीचे हो, 1 प्लस के साथ ये पूरा ब्रैकेट लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे ब्रैकेट से नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो जरा ध्यान से, साइन x प्लस एच अपॉन साइन x माइनस 1 से डिवाइड भी किया और इसी से मल्टीप्लाई भी किया, फिर देखिएगा क्या बचा आपके पास, ये इससे मैंने मल्टीप्लाई भी किया। तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से ये पूरा तो 1 हो गया, क्यों? देखो log के साथ 1 प्लस में जो लिखा है एग्जैक्टली नीचे डायरेक्टली पूरा पूरा 1 हो गया। अब हमारे पास बचा क्या वो देखते हैं जरा। हमारे पास बचा लिमिट s टेंड्स टू 0 sin x plus h अपॉन sin x माइनस 1, एक तो ये बचा और नीचे डिवाइड में h बचा। तो अभी भी देखो h डिवाइड नहीं है, ठीक है? अब ऊपर क्या कर सकते हैं, LCM ले सकते हैं यहां पर। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 लीजिए LCM, sin x plus h माइनस का sin x होल अपॉन sin x और इनटू h। अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या लगा दूं, sin a माइनस sin b, लिमिट s टेंड्स टू 0 लगाइए sin a माइनस sin b, 2 sin a माइनस b अपॉन 2 cos a प्लस बी और अपॉन 2 होल अपॉन, नीचे जो एज इट इज है उसे लिखते जाइए। और एक चीज का बताता हूं, ये मैंने फॉर्मूले में 2 sin a माइनस b बाय 2 cos a प्लस b बाय 2 लिखा है। कुछ बुक्स में या कुछ बच्चे क्या करते हैं, sin वाले टर्म को बाद में और cos वाले टर्म को पहले लिख देते हैं, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि 2 into 3 और 3 into 2 तो एक ही बात होती है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर आप sin वाले टर्म को बाद में और cos वाले को पहले लिख रहे हैं
या बुक में जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें कॉस पहले और साइन बाद में लिखा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा ये एक्स एक्स चला गया, कितना बचा आपके पास, आपके पास बचा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू साइन एच बाय टू, टू साइन एच बाय टू, और यहां कितना बचा कॉस टू एक्स प्लस एच अपॉन टू, तो इधर बचा कॉस टू एक्स प्लस एच अपॉन टू होल अपॉन, वो तो जो नीचे लिखा हुआ है साइन एक्स और एच, उसमें तो कोई चेंज हो नहीं सकता। अब लिमिट की एक प्रॉपर्टी देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, मतलब जो साइन का एंगल हो अगर एग्जैक्टली वो नीचे आ जाए तो डायरेक्टली वन हो सकता है। साइन का एंगल कितना है एच अपॉन टू, नीचे तो सिर्फ एच ही लिखा है, टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई कर दो, अब देखना जरा ये डायरेक्टली क्या हो गया वन हो गया, ये टू से टू भी चला गया, देखो क्या बचा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये बचा आपके पास कॉस, ये टू को न्यूमरेटर के साथ अलग अलग करो, एक्स प्लस एच अपॉन टू होल अपॉन, नीचे क्या बचा, नीचे बचा हुआ है साइन। ठीक है, अब इस एच की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर दो, और जब भी हम लिमिट को इंसर्ट कर देते हैं तो फिर लिमिट लिखना बंद कर देते हैं उसी स्टेप से, तो ये हो गया कॉस एक्स, क्योंकि जीरो बाय टू तो जीरो हो जाएगा, अपॉन साइन एक्स, एंड व्हाट इज कॉस अपॉन साइन, दैट इज इक्वल टू कॉट एक्स। अगर सिंपल डेरिवेटिव भी करते लॉग साइन एक्स का तो आंसर कॉट एक्स ही आता, तो ये लीजिए फर्स्ट प्रिंसिपल से लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव पूरा होगा। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो नीचे नंबर आ रहा है, आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।